गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी मैं हूँ स्वर्ग द्वार बीच के सामने वाले जो होटल है मेरा स्वास्थ्य होटल, उसके सामने आप देख सकते हैं पीछे जो व्यू है वो उसी होटल का है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ कोणार्क मंदिर और चंद्रभागा बीच। तो आज हम लोग घूमने वाले हैं स्वर्ग द्वार बीच से चंद्रभागा बीच और कोणार्क मंदिर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और घूमते हैं कोणार्क मंदिर को। हम लोग की गाड़ी आ गई है और हमारे साथ है हमारे ड्राइवर जी और हम लोग इसी कार में बैठ के जाने वाले हैं कोणार्क मंदिर। सामने आप देख रहे हैं स्वर्ग द्वार बीच का ये जो शानदार नजारा। अच्छा गोल्डन बीच है क्या? स्वर्ग द्वार बीच किसको बोलते हैं? इधर पीछे। अच्छा पीछे है तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन बीच है। गोल्डन बीच का शानदार सा नजारा है। और ये रोड को क्या बोलते हैं जिस पे आप लोग चल रहे हैं? अच्छा ये है मरीन ड्राइव, इसी को बोलते हैं मरीन ड्राइव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अभी हम लोग कोणार्क मंदिर जा रहे हैं और बीच रास्ते में ही अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। और यहाँ पर एक शानदार सा बीच दिखा छोटा सा, इसको देखें तो हम लोग को लगा कि यहाँ पर भी रुकना चाहिए। और बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है। सामने तरफ पूरा बादल साफ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आज जवाद नाम का एक साइक्लोन आने वाला है तो उसकी वजह से इस तरह से यहाँ एक बदली सा छाया हुआ है। हम लोग जाएंगे अभी कोणार्क मंदिर और अभी हम लोग यहाँ से आए हैं। लगभग हम लोग 30 किलोमीटर यहाँ पर आ गए हैं। इधर जंगल है, उसमें छोटा छोटा एक पेड़ है, उसका पत्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए उसको भी देखते हैं। तो वो जो पेड़ बता रहा था उसका पौधा देखते हैं, उसका पत्ता देखते हैं। चलिए इस तरह से आप देखिए लंबे लंबे हैं ये। पूरे जंगल में यही पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हैं ये है चंद्रभागा बीच। देखिए लोग यहाँ आए हुए हैं, सबकी गाड़ियाँ यहाँ स्टैंड में लगी हुई हैं। इस तरह से यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और इधर से एंट्री गेट है चंद्रभागा बीच का। कोणार्क मंदिर हम लोग आ गए। शुल्क देना पड़ता है यहाँ 20 रुपीज का। फिर यहाँ से अंदर एंटर करते हैं और गाड़ी पार्क लगाएंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, राइट ले जाएंगे तो सीधा मंदिर जाएंगे। ओके ओके आ गए। तो अभी हम लोग कोणार्क टेम्पल पहुंच गए हैं और गाड़ी यहाँ पर पार्क लगा दी है। यहाँ से एंटर किए हैं, देखिए यहाँ से फिर इस तरफ से जाना है हम लोग अपने को, इस तरफ में या इसे वहाँ से राइट लेना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कोणार्क टेम्पल को। अगर पैदल आते तो वहां से एंट्री करते।
ये है कोणार्क टेंपल और उसके सामने का व्यू। ये इधर रेस्टोरेंट एरिया है, मंदिर में एंटर करने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट काउंटर है, इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ का है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़, फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़। ये इस टाइप का ये पुरातत्व विभाग का है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसका 200 टिकट मिलता है, उसको लेके जाना पड़ता है। छोटे बच्चे का तो नहीं लगता है ना? 4 टिकट वो बच्ची है उसका गूगल कर लेगा, नहीं लगे छोटे बच्चों का नहीं लगता है, एडल्ट लोगों का लगता है। यहाँ गार्डन भी बने हुए हैं, घूमने लायक मस्त जगह है। अच्छा उसमें जाओ, तुम लोग उसमें जाओ। तो इस तरह से यहाँ एंट्री होता है और एंट्री होने के साथ साथ हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब पहुँच गए हैं कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल है सूर्य मंदिर। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से अंदर जाते हैं। तो जैसे मंदिर का एक सीढ़ी दिखता है, सीढ़ी के ऊपर में पहले नहीं जाना है, उसे लेफ्ट साइड से जाना है। लेफ्ट साइड में जैसे हम लोग इधर आ गए और लेफ्ट साइड में यहाँ से अंदर मंदिर जाने का रास्ता है। तो ये है दोस्तों ओडिशा का स्वर्ण मंदिर, यही है। ऊपर काम चल ही रहा है, कारीगर लोग चढ़े हुए हैं, रिपेयर का काम कर रहे हैं। एक ये है ये वट का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है और बहुत पुराना लग रहा है। इस तरह का इसके चारों तरफ का तो आप देख सकते हैं ये है कोणार्क मंदिर। इस तरह के इसके व्यूज हैं, इसमें अभी भी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रथ है सूर्य देवता का, उसके व्हील्स हैं, पत्थर के व्हील्स हैं, देखो आप किस तरह से इसको बनाया गया है।
बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग लगा हुआ है, मस्त गार्डन एरिया है, यहाँ पर आके आप अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का, आपको फोटोग्राफी करने देते हैं, आपको कहीं पर भी जूता चप्पल नहीं उतरवाते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मंदिर है, दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर, सबसे सुंदर मंदिर। तुलसी देखो तो कोकड़ा रे, तुलसी और देखो तो कोकड़ा है, वैसे चल रहा है देखो ना, वो कीड़े वड़े तो खाते हैं बेटू, कीड़े मकोड़े खाते हैं। छाया देवी मंदिर, ये है 11वीं-12वीं शताब्दी का है, जैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो स्पेशली यहीं घूमने के नाम से आए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आते हैं तो दिन भर का मंदिर है ऐसा लगता है। ताला पहले नहीं था, था, था। पहले ताला बंद ही रहता था, नहीं हम तो ऊपर वगैरह जो भी आ रहा है तो अपने मोबाइल कैमरे पे खिंचवाएं बढ़िया फोटो, इस तरह के ठग लोगों के चक्कर में ना पड़े। तो इस टाइप का है ये सूर्य मंदिर, जब भी यहाँ आए तो इस तरह के फोटोग्राफर लोगों के चक्कर में ना पड़े और अपने मोबाइल कैमरे में अच्छे से फोटो खींचे, वो ज़्यादा बेस्ट आता है, क्योंकि इन लोगों का जो कैमरा रहता है वो बिल्कुल भी क्वालिटी वाला नहीं रहता है, और ले लेते हैं पैसा तो वही लेंगे जो चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं रहता है। ये एक मंदिर है,
वो जो देख रहे हैं आप सब बाहर निकल रहे हैं ना, वो बाहर निकलने वाला रास्ता है, वहाँ से निकल के बाहर जाते हैं। तो ये था दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।